हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं रिव्यू करने जा रही हूँ कलरसेंस के सिंदूर का। ये है इसकी पैकेजिंग, जिस तरीके की पैकेट में ये आता है एंड ये आप देख सकते हो अंदर रेड कलर का ये है, जार है, बाहर ग्लास टॉप है इसका एंड ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक टाइप का ये है, बेस है इसका। एंड यहाँ पे चलिए मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है एक्वा सिंदूर, 6 ml की क्वांटिटी के साथ आता है। MRP है 105 रुपए की और मैन्युफैक्चर्ड है अप्रैल 2018 का ये। और शेल्फ लाइफ तो यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं कर रखा है, बट आप इसे यूज करेंगे तो 1-2 महीने में ये खत्म हो ही जाता है रेगुलर यूज पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरीके का है। ये इस तरीके से खुलता है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। आपके लाइक पर्स वगैरह में आप कभी भी ट्रैवल करना चाहो तो आप बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो। ये मैं आपको इसका दिखा रही हूँ टेक्सचर। ये जो मैंने लिया है दिस इज ऑफ रेड कलर, यहाँ पे मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं रेड। ये एक्चुअली दो शेड में, एक्चुअली मैंने इसे मॉल से लिया था तो वहां पे दो शेड अवेलेबल थी, रेड एंड मरून, और मैंने ये रेड वहां से परचेज किया। मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ये है वो रेड कलर का सिंदूर जो मैंने वहां से परचेज किया था एंड मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और इसके बारे में और मैं अगर आपको बताऊं तो ये बहुत ही इजी है यूज करने के लिए, और इसे जब आप लगा लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा स्टे पावर देता है आपको। सुबह में आप लगाते हो तो बिल्कुल शाम या रात तक आपके स्किन पे रहता है ये, और स्किन फ्रेंडली है और बिल्कुल भी लाइक चिपकता नहीं है आपके इसमें। बहुत ही अच्छे से जब ये सूख जाता है तो फिर ये अपने आप निकल जाता है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और आपके स्किन को डैमेज भी नहीं करता है। अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जैसे कुछ सिंदूर होती है ना जो बहुत ही चिपकी टाइप के, स्टिकी टाइप के होते हैं, ये उस तरीके का सिंदूर नहीं है। और जब ये खत्म ही हो जाता है ना तो भी जैसे आप बिल्कुल ये सूखता नहीं है, आप इसे मतलब खत्म होने के बाद भी आप इसे 4-5 बार यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे कोई कोई होता है ना कि तुरंत लाने के बाद जैसे एयर के कांटेक्ट में आ गया या कैसे भी आ गया तो तुरंत सूख जाता है, तो ये उतनी जल्दी सूखने वाला नहीं है। और ये जब सूख भी जाता है तो अच्छा खासा इसमें से प्रोडक्ट निकलता है। मैं आपको फॉरन एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये मेरा एक और कलरसेंस का सिंदूर है जो मैंने ऑलरेडी इसे यूज कर रखा है। मैं आपको इसकी एक्सपायरी दिखा देती हूँ। ये मैंने 17 में खरीदा था, यहाँ पे आप देख चेक कर सकते हो। तो ये जब मेरा एक्चुअली जब खत्म हो गया ना, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट इसमें आप देखो इसमें अभी भी हल्का सा सिंदूर निकला हुआ है एंड इसे अभी भी मैं यूज कर सकती हूँ। तो कभी कभी ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशंस आ जाती हैं जब अचानक से पता चलता है कि सिंदूर हमारा खत्म हो चुका है, तो ये उस तरह के एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाता है। एंड बहुत ही अच्छा लाइट वेटेड सिंदूर है, स्किन स्टिकी नहीं है, लॉन्ग स्टेइंग पावर है इसकी एंड मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो दिस वॉज माई रिव्यू फॉर कलरसेंस सिंदूर। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज मेरे दूसरे वीडियोज को भी आप जरूर देखिए। फ्रेंड्स फैमिली को कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, मेरे अदर चैनल्स को, मेरे अदर वीडियोज को भी सॉरी जरूर देखे। एंड मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।